हमारे जो सीरियल चल रही है आर्ट ऑफ बैलेंस, उसमें जो टॉपिक मिला था सिंप्लिसिटी और रॉयल्टी, उसमें बैलेंस कैसा रखें। तो संसार में देखा जाए तो हर एक बात का बैलेंस है। यदि बैलेंस नहीं रहा तो जो भी हम कार्य करते हैं उसमें समस्या निर्माण हो सकती है। जैसा दिन का जो चक्र है, सृष्टि चक्र में जो चक्र है उसमें दिन और रात का, यानी दिन और रात का बैलेंस चाहिए। दूसरा है ऋतु चक्र में, जैसा धूप काला, बारिश काला और ठंड काला, तीनों की जरूरत होती है, वैसे सृष्टि रूपी ड्रामा में भी आत्मा और परमात्मा का बैलेंस है। तो इसलिए शिव परमात्मा भी ब्रह्मा के साकार तन में, इस साकार दुनिया में आकर के ब्रह्मा द्वारा सत्यों की दुनिया की स्थापना करते हैं, यानी उसको निमित्त बनाती है। यानी इसमें भी सृष्टि चक्र में भी आत्मा और परमात्मा का बैलेंस है। सत्य की दुनिया की स्थापना के लिए आत्मा और परमात्मा दोनों की आवश्यकता है। तो इस प्रकार कार्य प्रणाली में जो भी बैलेंस यदि नहीं रहा तो कैसी समस्या पैदा होती है। इस पर मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक बार यानी शंकर जी और माता पार्वती गगन विहार कर रहे थे, यानी गगन में भ्रमण कर रहे थे आकाश में। तो उसमें एक गाँव में देखा कि एक साधारण व्यक्ति, गरीब व्यक्ति था। वो इतना मेहनत करता था सवेरे से लेकर शाम तक, और मेहनत करके जो भी धन कमाता था वो धन उसके परिवार के पालन पोषण के लिए खर्चा हो जाता था। एकाधे दिन उसने यदि मेहनत नहीं की तो उस परिवार पर भूखा रहने की मुसीबत आ जाती थी, इतनी गरीबी थी उस परिवार पर। तो उसको एकदम वो परिवार पर दया आ गई। दूसरी तरफ देखा उसने कि एक अमीर परिवार था, उनके पास अतः धन था, सब कुछ साधन सुविधा थी, क्योंकि वो वेस्ट में खर्चा कर रहे थे क्योंकि बहुत धन था। इस तरफ देखा तो बहुत ही हिसाब से उसको खर्च करना पड़ता था, नहीं तो भूखे रहने की मुसीबत आती थी, और दूसरे तरफ मनमान्य खर्चा कर रहे थे। तो उनको, ये माता पार्वती को, वो जो गरीब परिवार है उस पर बहुत दया आ गई। तो फिर शंकर जी को बोले उन्होंने कि प्रभु इस सृष्टि में ऐसा भेदभाव क्यों, क्योंकि एक तरफ देखो तो बहुत अमीर है, दूसरी तरफ गरीब है, बेचारे के नसीब में दो समय की रोटी भी नहीं मिल रही उनको, तो ये समान कर दो। तो उसने बोला शंकर जी ने, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि का नियम है, इसमें अपन कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते, नहीं तो हलचल हो जाएंगी सृष्टि में। तो फिर वो बहुत ही उसको फोर्स कर रहे थे, कुछ भी करो लेकिन ये समान कर दो, बोले मेरी एक इच्छा पूरी कर दो आप। तो फिर ठीक है बोले, ततास्तु बोल के आपकी इच्छा पूरी हो जाएंगी बोली। तो दोनों समान हो जाते हैं, जो गरीब थे वो भी अमीर हो जाते हैं, और अमीर तो अमीर ही रहते हैं। बाद में क्या होता है, एक दिन कैलाश पर्वत पर बहुत बारिश आ जाती है, इतनी बारिश आती है कि उसके वो मकान रहता है उसकी दीवार गिर जाती है, शंकर जी और पार्वती का जो मकान रहता है ना वो। तो फिर वो गिरने के बाद उसको बनाना पड़ेगा अभी। तो फिर वो देवी पार्वती को बोलती, अभी तो मकान की दीवार गिर गई, अभी क्या करें, तो आप ऐसा करो उस गांव में चले जाओ और जो मजदूर लोग हैं उसको लेके आओ, तो वो बना देंगे अपनी दीवार। फिर वो वापस जाती है गांव में और लोगों को बोलती है कि हमारी मकान की जो दीवार है वो गिर गई, बनाने के लिए आप मदद करो, तो हम दाम देंगे बोलते आपको। मगर वो लोग बोल रहे अभी हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं आ सकते। फिर वो बोले हम डबल दाम देंगे आपको, जो मजूरी है डबल दे देंगे आपको, चलो। फिर वो बोलते हमको धन की भी जरूरत नहीं, हमारे पास सब कुछ है। फिर वो अकेली भी आती जाती है अपने कैलाश पर्वत पर। तो शंकर जी देखते हैं कि माता पार्वती अकेली आ रही, तो उसको पूछते हैं फिर कारण, क्यों आप अकेले आ गई, मजदूर को लेके नहीं आए साथ में? तो वो बोलते कोई तैयार ही नहीं बोलते आने के लिए, क्योंकि सभी अमीर बन गए बोलते, अभी कोई आने के लिए तैयार नहीं। तो फिर बोलते अभी क्या करें, अपन दोनों भी ये दीवार बना लेंगे बोलते अभी। फिर दोनों ही मिलकर वो दीवारों बना देती है। तो दीवार बनाते समय माता पार्वती को बहुत मेहनत लगती है, बहुत तकलीफ होती है उसको। फिर वो और प्रभु शंकर जी को बोलते, प्रभु और एक मेरी इच्छा पूरी कर दो बोलते। तो क्या बोला होगा उसने, सभी को गरीब नहीं कर दो, यानी जैसा पहले था वैसा भी रखो, गरीब और अमीर।
तो इस प्रकार है, यानी अपन सृष्टि का जो नियम ये है उसमें थोड़ा समझो अपन बैलेंस नहीं रखा, उसके विरोध किया तो फिर अपन को तकलीफ होती है, और जो भी कार्य प्रणाली अपन करते हैं उसमें व्यत्यय निर्माण होता है। तो अपन सब पार्वती है ना, तो इस प्रकार है। अभी जो सिंपल व्यक्ति, अभी अपना विषय है सिंप्लिसिटी और रॉयल्टी, इसमें बैलेंस कैसा रखे। तो अभी सबको एक प्रश्न है, जो सिंपल व्यक्ति रहते हैं उसमें क्या विशेषता है, कौन कौन सी विशेषता रहती है सिंपल व्यक्ति में? हाँ, वो भोला भाला रहता है और उसका स्वभाव सरल चित्त रहता है। अभी गीत सुना ना आपने, उसमें तो बहुत सारी बातें आ गई। हाँ, वो मिलनसार भी होता है, एडजस्टेबल होता है, सबको एडजस्ट करता है वो, और उसमें सच्चाई रहती है, सत्यता की शक्ति रहती है, और जो जो वो किसी के साथ झगड़ा नहीं करता और उनके साथ भी कोई झगड़ा नहीं करते। हाँ हाँ जी हाँ, वो सहन भी कर लेता है और वो ईर्ष्या, उसकी कोई ईर्ष्या नहीं करते, यानी सरल चित्त व्यक्ति की, और कंपटीशन भी नहीं करते। तो ये सिंप्लिसिटी व्यक्ति की विशेषता है समय। तो जैसे अपने यज्ञ इतिहास में देखा जाए तो ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री सभी को पता ही है। तो ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री में ऐसे बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा यानी ब्रह्मा बाबा बनने के पहले उसका जीवन बहुत ऊंचा था, यानी वो अमीर थे, उनके वो धन दौलत भरपूर थी, और बाद में जैसे ही बाबा ने प्रवेश किया उसके अंदर, जैसा उसको ज्ञान मिला, तो ज्ञान मिलने के बाद क्या हो गया, उसका जीवन सादा हो गया, सादगी युक्त जीवन हो गया, सिंपल जीवन हो गया उसका। तो फिर उसने अपना जीवन सिंपल सिटी से बिताना शुरू कर दिया यज्ञ में। मगर उस समय यज्ञ में कई बाबा के बच्चे आते थे, तो आने के बाद बाबा के लिए अच्छी अच्छी चीजें लेके आते थे और उनकी यही भावना रहती थी कि बाबा ने पहननी चाहिए। तो बाबा क्या करते थे, जब बच्चों की भावना है हमने पहननी चाहिए बा, क्योंकि कभी ग्रुप में कोई नेपाली ग्रुप आता था तो नेपाली टोपी लेके आते थे, तो नेपाली टोपी थोड़ी फैशनेबल भी रहती है ना, क्योंकि बाबा का जीवन तो सिंपल था। तो बाबा क्या उसकी भावना का यानी दुखनी नहीं चाहिए, यानी वो नाराजी नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसकी भावना की बस वो टोपी पहन भी लेते थे। कोई माता आती थी बाबा के लिए स्वेटर बुनकर लेके आती थी खुद यानी बुना बुनकर, तो वो बाबा को बोलते थे आप स्वेटर पहन लो, तो उसकी भावना न दुखी सर बाबा वो स्वेटर भी पहन लेते थे। तो इस प्रकार बाबा यानी सिंपल भी रहते थे और बाबा की यानी बच्चों की यानी नाराजी न हो जाए इसलिए रायल भी कपड़े पहनते थे। मगर वो दोबारा एक बार पहन लेते थे, बाद में दोबारा वो टोपी और वो स्वेटर कभी पहनती देखा नहीं बाबा ने। हाँ, मगर बाबा नहीं पहनते ऐसे लिखा है वहाँ पर, नहीं पहनते थे बोलते, उसके समाधान के लिए वो पहन लेते थे। दूसरी बाबा के जीवन की विशेष बात है कि इतनी बड़ी अथॉरिटी थी बाबा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के दल में शिव बाबा आते थे, यानी कितनी बड़ी हस्ती थी। आज दुनिया में देखो किसी कहीं हमारे तन में भगवान आता है तो लोग कितने उसके पीछे पड़ जाते हैं, और उसकी अथॉरिटी भी कितनी रॉयल रहती, बहुत ऊंचा समझता है खुद को। मगर हाँ, किसी को आने भी नहीं देते, यानी जितने ये रहते उसको मिलने के लिए परमिशन चाहिए, जब परमिशन दिया तब उसको मिल सकते। लेकिन बाबा देखो ब्रह्मा बाबा कितने सिंपल थे, उतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी यानी वो यज्ञ में साधारण से साधारण कार्य करते थे। वो कभी वो मिट्टी के टोकरे भी उठाते थे और वो गोबर के कंडे है वो भी बनाती थी, यानी इतना उसका जीवन सिंपल था। यानी बाबा ब्रह्मा बाबा तो उसके साथ हमारी दादी अभी देखो सभी ने तो उनके जीवन के बारे में पता है, तो हमारी दादी अभी कितनी ऊंचे घराने की थी, जब यज्ञ में आ गया तो उसने भी सादगी भरा जीवन जिया और यज्ञ में सब प्रकार की सेवा करती थी। बाबा ने तो उसके सिर के ऊपर यानी ज्ञान का कलश दिया था कि आपके द्वारा यानी शिव बाबा का संदेश सारे विश्व में फैलाना है, तो वो कार्य तो करते थे लेकिन उसके साथ उसका जीवन कितना सादगी भरा था, यानी यज्ञ में सभी प्रकार की सेवाएं दा दिया करती थी, यानी वो तो मिट्टी भी डालते थे तो अनाज की ये बोरिया है वो भी दादिया उठाती थी, कभी ट्रक में माल आता था वो भी दादिया खाली कर देते थे ट्रक, यानी इतना साधारण कार्य करते थे। और उसके साथ ये यानी जो कपड़ा रहता था उस समय ऐसा कपड़ा प्रेस नहीं होते थे यज्ञ में, तो दादिया क्या करती थी वो कपड़े वो धुलाई करने के बाद उसको सुखाती थी, सूखने के बाद वो कपड़े की फोल्ड करके उसको पानी छिड़का देते और बेड के ऊपर रख देते थे।
हाँ गद्दे के नीचे रख देते थे, उसके ऊपर गद्दा रहता था और उस पर दादी या सो जाती थी, जिनका बेटे वो दादी सोती थी, तो एक तो सोने का भी काम हो जाता था और प्रेस भी कपड़ा अपने आप कपड़ा प्रेस हो जाता था। यानी जिस प्रकार सादगीमय जीवन था उनका, मगर उनके वाणी में कितनी ताकत थी कि सारे विश्व में बाबा का संदेश उसने पहुंचाया, यानी इतनी रॉयल्टी थी। दूसरी अपने भाइयों में से जगदीश भाई का विशेष गायन है कि जगदीश भाई का जीवन कितना सिंपल था। उनने यज्ञ में जितनी भी किताब है वो जगदीश भाई ने लिखी है, लेकिन कितना जीवन सादगी भरा था उसका। उसके बारे में अभी ऐसे लिखा है कि वो जिस स्थान पर रहते थे सेंटर पर, वो छोटा सा कमरा था, यानी उसने अलग से ऐसा ऑफिस नहीं बनाया था उसका। उस कमरे में एक छोटी सी खटिया थी, उस खटिया पर भी वो बैठते थे और एक छोटा सा एक टेबल था उस पर भी लिखते थे, और जो भी कोई आता था उसको मिलने के लिए तो वहाँ पर भी खटिया पर भी बैठते थे और उसी टेबल पर वो भोजन भी करते थे। यानी अलग से ऐसा ऑफिस नहीं था। यानी देखो उसके जीवन में कितनी सिंप्लिसिटी थी और वाणी में कितनी ताकत थी उनकी। और उसके बारे में अपनी चक्रधारी बहन जी लिखती है कि जब वो चक्रधारी दीदी भी उनके साथ दिल्ली सेवा केंद्र में रहती थी, तो एक बार की वो बात बता रहे कि उस सेवा केंद्र पर केवल दो ही खुर्ची आई थी, उसके अतिरिक्त कोई ज़्यादा सामान नहीं था। तो एक भाई आया था सेंटर पर, तो वो बोल रहा था दीदी को कि सेंटर के लिए कुछ चाहिए था, हमें बता देना, हम दे देंगे। तो दीदी ने बोला कि सेंटर के लिए सोफे की जरूरत है, तो सोफा दे दो। तो फिर वो भाई ने दूसरे दिन सोफा लाके दे दिया, तो चक्रधारी दीदी ने वो सोफा एक कमरे में रख दिया। और बाद में मधुबन में कोई प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम के लिए दीदी मधुबन में आ गई। दो तीन दिन के बाद फिर वापस फिर दिल्ली चली गई, तो फिर देखती है तो उस कमरे में सोफा ही नहीं। तो दीदी को आश्चर्य वंडर लगा कि सोफा कहाँ गया। फिर भाई साहब को पूछा कि भाई साहब बोले सोफा इस कमरे में रखा था कहाँ गया, तो भाई साहब ने कोई जवाब नहीं दिया बोलते। बाद में उसने दोबारा पूछा कि मैंने यहाँ पर एक भाई ने सोफा दिया था वो रखा था तो कहाँ गया। तो फिर कुछ समय के बाद जगदीश भाई जी बोल रहे कि ये अपना आश्रम है, आश्रम में तो शादी की भरा चाहिए, यहाँ पर सोफे की क्या जरूरत है। तो फिर चक्रधारी दीदी ने बोला क्योंकि अपने सेंटर पर दो ही खुर्चियाँ है और यदि कोई तीसरा व्यक्ति है तो कहाँ बैठेगा, इसलिए मैंने वो भाई ने सोफा दिया इसलिए रख दिया। तो सोफे की जरूरत थी क्योंकि मैं स्वयं को बैठने के लिए तो नहीं मंगाया था। तो फिर बताओ सोफा कहाँ रखा। तो जगदीश भाई जी कुछ भी बोले नहीं, बोलते वहां से चले गए। बाद में उनको पता चला कि भाई साहब ने वो सोफा बेच दिया था और बेच करके जो पैसा आया था वो क्या क्या भंडारे में डाल दिया था। यानी देखो यज्ञ के प्रति भी कितनी इकोनॉमी थी उनकी, यानी जो भी खर्चा है या वेस्ट खर्चा नहीं होना चाहिए, जरूरत है वहां पर भी खर्चा करते थे। और उसके जीवन की दूसरी एक बात है कि वो ड्रेस भी जो दो जोड़ी कपड़े रहते थे उनके, ज्यादा कपड़े नहीं रहते थे। और कहीं पर सेवानिमित्त जाते थे तो वो क्या करते थे, अपने साथ सुई और धागा लेके जाते थे। कभी फट भी गया पायजामा या कुर्ता तो रिक्शे पर बैठे बैठे सिलाई कर देते थे। तो देखो यानी कितना जीवन सादगी भरा था, मगर वाणी में कितनी ताकत थी उनके। जहाँ पर भी स्टेज पर वो जब बाबा का ज्ञान सुनाते थे तो सुनने वाले भी हिल जाते थे, इतनी अच्छी पावर भरते थे उनके अंदर और बाबा के बच्चे बन जाते थे, वो उसमें परिवर्तन हो जाता था। तो ये ताकत समझो उनके वाणी में थी, यानी दोनों का बैलेंस रखते थे वो। तो उसी प्रकार हमें ये भाषा हमारे लैंग्वेज उसमें हमने बैलेंस चाहिए। जब भी हम बोलते हैं तो जैसा व्यक्ति समझो समय और परिस्थिति अनुसार लैंग्वेज का हमने उपयोग करना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल देता, जैसे समझो कोई भाई है एक यदि की गाँव की माता ही आ गई जिनको उसकी लैंग्वेज आती है समझो कि, और निमित्त आत्मा ने किसी भाई को बोला कि उनको थोड़ा प्रदर्शनी समझा दो, यदि वो भाई उसको उसकी लोकल भाषा तो भाई को आती है, माता को जी भाषा आती है वो उसको आती है, मगर आते हुए भी यदि उन्हें इंग्लिश में बता दिया उनको, यानी उसका प्रदर्शनी तो क्या हो जाएगा। एक तो माता समझ भी नहीं पाएंगे बेचारे क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही नहीं वो, और वो समय भी वेस्ट हो जाएगा। तो उसके बदले यदि स्टैंडर्ड लोग को समझे डॉक्टर है वो अकेले जी इंग्लिश जानते हैं उसको यदि इंग्लिश में बता दिया तो ठीक है। तो इस प्रकार हमें वो भी बैलेंस रखना चाहिए लैंग्वेज का भी, कहाँ पर कौन सी व्यक्ति अनुसार समय अनुसार भाषा यूज करनी चाहिए। तो इसका ही बैलेंस, तो इसलिए
एक इंग्लिश में कहावत है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादी रानी उच्च विचार। हमारी रानी सिंपल चाहिए और उच्च विचार जो है बहुत ऊंचे लेवल की चाहिए। तो इस पर इस संसार में बहुत सारे महान आत्माएं हुई है जिसको हम सभी पहचानते हैं, तो जो भी ऊंचे लेवल में थे उन्हें अपने जीवन को महान बनाया है। तो आप उनका जीवन चरित्र देखेंगे तो उसका जीवन एकदम सिंपल था, लेकिन विचार कितने उसके महान थे। तो जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा, दादिया, ये तो इसके ऊपर अपन चर्चा की है, उनका जीवन तो महान था ही था। और उसके साथ जो भी आज बाबा ने भी बापू गांधी को याद किया है, तो गांधी जी का जीवन हम देखेंगे तो कितना सादगी भरा था, सिंपल जीवन था। वो केवल एक धोती पहनते थे और वो चश्मा, सिंपल वाला चश्मा पहनते थे, और उसके हाथ में एक लकड़ी रहती थी। यानी देखो जितनी बड़ी अथॉरिटी होती है जीवन कितना जी। हाँ, देखो आज का यदि देखेंगे कोई ऐसा ऊंचे प्राइम मिनिस्टर या कोई राष्ट्र देख सकते, वो कितने इसमें रहता है और उसका जीवन कितना एकदम सिंपल था। तो मगर विचार कितने महान थे उनके, क्योंकि उसको जो फॉलो करने वाले जो व्यक्ति थे उसके विचारों को फॉलो करने से उसका जीवन भी मान बन जाता था, मगर वो बैलेंस रखते थे ऐसा। दूसरे की हस्ती है भारत के स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री अपने लाल बहादुर शास्त्री, वो छोटी सी ये थी उसकी शरीर एष्टि देखेंगे तो छोटी वो ये थी, मगर उसकी कीर्ति महान थी कि उनके अपने जीवन काल में यानी दो बातों को विशेष महत्व दिया, एक किसानों को और जवानों को, इसलिए उसका नारा था जय जवान जय किसान। इसलिए उनको यही था उसका कि भारत का हर एक किसान अच्छा बन जाए, यदि किसान सुखी है तो पूरी जनता सुखी है, यदि किसान भी दुखी है उसकी प्रगति नहीं हुई तो जनता की भी प्रगति हो नहीं सकती। और एक सैनिक का वो ज्यादा महत्व देते थे, आज सैनिक है देश पर है इसलिए अपन लोग यहाँ पर सुरक्षित है, क्योंकि वो रक्षा करते थे, अपन सेफ रहते इधर अपने घर में, तो इसलिए उसका भी वो विशेष ध्यान देती थी, यानी जय जवान जय किसान दोनों का। और इतनी महान अथॉरिटी होती हुई उसके जीवन में बहुत सिंप्लिसिटी थी। उस पर एक मुझे बात याद आ रही उनकी, एक बार वो कोई दुकान में गए, उसकी धर्म पत्नी के लिए साड़ी खरीदनी थी, तो जब वो एक दुकान में खरीदने के लिए गए तो वो दुकानदार को बहुत ये हुआ कि इतनी बड़ी अथॉरिटी हमारे दुकान में आ गई, उसने बहुत मान सम्मान किया, रिगार्ड रिस्पेक्ट के साथ उसने अपने दुकान में बिठाया, और उस दुकान में जो महंगी सी महंगी साड़ी थी उसके सामने रखी उन्होंने कि ये वाले ले लो। तो फिर उसने बोला इसके दाम कितने, तो उसने जो दाम बताया तो उसको लगा ये दाम तो बहुत महंगा है, तो इसलिए मेरे को आपकी दुकान में जो सबसे कम दाम वाली साड़ी वो मेरे को दिखा, और उसने सबसे कम दाम वाली साड़ी थी वो ले लिया। तो देखो उसके जीवन में कितना ये था, यानी उसका यही विचार थे कि ये भारत की जो साधारण जनता जो भी कपड़े पहनते वो भी हम पहने, यानी हम अथॉरिटी के साथ नहीं रहे क्योंकि जैसी जनता है वैसे हम। तो ये उनके जीवन की ये सिंप्लिसिटी थी। तो वैसे भी एक महाराष्ट्र में संत हुए, संत गाड़गे महाराज नाम था उसका, जो भी महाराष्ट्र में स्वच्छता अभियान चलाती है, संत गाड़गे बाबा स्वच्छता अभियान नाम है उसका, और उस अभियान अंतर्गत जो भी सहयोग देता है उन लोगों को महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक अवार्ड मिलता है। तो ये भी अपने ब्रह्मा कुमारी जी आश्रम में सब लोगों ने अवार्ड प्राप्त किया है, क्योंकि अपने आश्रम में तो साफ स्वच्छता अच्छी रहती है ना जाप, क्योंकि अपने मधुबन में देखो या सेंटर पे देखो दुनिया के हिसाब से जैसी अपने यहाँ स्वच्छता रहती है वैसे तो कहीं पर भी रहती नहीं है। तो वो उसका स्मृति प्रीत्यर्थ तो अवार्ड देते है। तो वो व्यक्ति भी देखो यानी एकदम सिंपल जीवन था उसको, उसको गाड़गी बाबा क्यों बोलते, उसके पास एक छोटा सा मटका रहता था, उसको क्या बोलते वो कमंडल, नहीं कमंडल बोलते, वो कमंडल जैसा था उसका, उसमें वो पानी पीती थी, उसके कारण उसका नाम वो गाड़गे महाराज रखा, उस नाम से वो ये करते थे, उसको पहचानते थे। तो उसका जीवन में भी वो सिंप्लिसिटी थी, यानी कुछ पढ़े लिखे थे नहीं थे मगर इतने अच्छे विचार देते थे जनता को, तो जनता एकदम परिवर्तन हो जाती थी। तो उसके जीवन का एक अनुभव है कि उस समय की जो समाज था, उस समय जो संत गाड़गे बाबा हुए उस समय का समाज एकदम अंधश्रद्धा से ग्रस्त था, यानी लोग बहुत अंधश्रद्धालु थे उस समय। यानी वो जिस गांव में जाता था वो लोग क्या करते थे, तो कोई बीमार पड़ गया तो औषधि नहीं लेते थे बीमारी ठीक करने के लिए, तो वो क्या करते थे, देवी है
देवी के मंदिर में बकरे की बलि देते थे और बलि देने से यानी बीमारी ठीक हो जाएंगी ऐसी वो लोगों की मान्यता थी। तो फिर ये उस लोगों को समझाते थे पर समझ आने के बाद भी वो लोग मानते नहीं थे, इसने वो अंधश्रद्धा से ग्रस्त लोग थे। फिर इसने देखो कैसे युक्ति करता था, ये जिस देवी के मंदिर पर जाकर ये लोग देवी पर बलि चढ़ाते थे तो वो मूर्ति क्या करते थे, संत गाड़ के बाबा रातों रात गायब कर देते थे और उस मूर्ति के जो देवी की मूर्ति के बदले हनुमान की या कृष्ण की मूर्ति बिठा देते थे। जब लोग दूसरे दिन वो जाते थे वहां पर वो बकरे की बलि देने के लिए तो लोग देखते थे वहां पर मूर्ति नहीं, गायब हो गई, तो घबरा जाते थे क्योंकि हनुमान की मूर्ति रहती थी वहां पर, क्योंकि हनुमान पर तो कोई बकरे की बलि चढ़ा नहीं सकते थे, तो वो घबरा जाते थे और वो बकरे का जान बच जाता था। यानी देखो यानी सिंपल होते हुए भी यानी विचार कितने महान थे, इस प्रकार से युक्ति रच करके वो लोगों में परिवर्तन करते थे। नहीं देवता पर वो तो युक्ति करता था ना, देव तो इसलिए वो बलि से छूटने के लिए देवता की मूर्ति रख देता था देवियों के बदले। हाँ और दूसरी उसके जीवन की एक बात है कि जैसे वो उस समय के लोग थे इतने मैंने अंधश्रद्धा से ग्रस्त थे कि जहां पर वो स्नान करते थे, एक गांव में तालाब रहता था उसी तालाब में स्नान भी करते थे और वो कपड़े भी धोते थे गंदे कपड़े उसी तालाब में और उसी तालाब का पानी पीते थे। तो पानी पीने के कारण क्या हो जाता था, वहां पर एक हईजा जैसा लूज मौसम की बीमारी हो जाती थी, एक साथ पूरे गांव को हो जाती थी, सभी गांव के लोग उस बीमारी से ग्रस्त हो जाते थे। तो फिर वो लोग को लगता था कि अपने देवी की जो पूजा है उसमें कमी हो गई, उसकी अपन बराबर आराधना नहीं की, पूजा में कमी हुई, इसी कारण ये समस्या आ गई, हम बीमार पड़ गए। तो फिर ये संत गाड़गी बाबा उसको बोलता था कि वो देवी का कोप हुआ, ऐसे वो लोग बताते थे, तो वो बोलते थे कि देवी का कोप नहीं हुआ, आपके कर्म का कोप है वो, क्योंकि आप कर्म ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो बाद में उसको उसकी भाषा में उसको समझाते थे कि आप लोग बोल रहे स्नान का करते, तो वो लोग बोलते थे हम तालाब में स्नान करते थे, फिर कपड़े कहाँ पर धोते थे, वो बोलते थे कपड़े उसी तालाब में धोते हैं हम, तो वो बोले जी अपने शरीर की गंदगी कपड़े की गंदगी उसी पानी में जाती है और पानी पीते कौन सा, तो वो लोग बोलते थे पानी भी हम वही पीते थे, फिर वो पानी पियेंगे तो बीमार तो पड़ेंगे, या फिर देवी का कौन सा कोप हो गया। तो इसके इस प्रकार वो उन लोगों को शिक्षा देते थे और उसमें परिवर्तन करते थे। और एक बात है उनके जीवन की कि वो जिस गांव में जाते थे उस गांव में एक तो मंदिर के पास जाते थे और अपने हाथ में एक झाड़ू लेते थे और वो मंदिर की सफाई करना शुरू कर देते थे, मंदिर अथवा जो सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर लोग बैठते, तो जब सफाई करना शुरू कर देते थे तो फिर गांव के लोग आते थे उसको पूछते थे कि ये सफाई आप क्यों कर रहे, काय के लिए कर रहे, तो यही सुना देते कि यहाँ पर बहुत बड़े संत आने वाले, उनका प्रवचन है, इसलिए मैं साफ सफाई कर रहा हूँ, तो आप भी वो प्रवचन सुनने के लिए आना रात को। तो ऐसे जब लोग इकट्ठे हो जाते थे तो वो उसको संदेश दे देते थे कि एक महात्मा का आज कीर्तन है रात को, वो सत्संग करेंगे आप आना। और बाद में पूरे दिन पर वो साफ सफाई के कार्य में अपना लगा रहता था। बाद में जब रात को लोग आते थे वहां पर इकट्ठा होते थे लोग संत का सत्संग सुनने के लिए, तो फिर उस भीड़ में से ये स्टेज पर खड़ा हो जाता था, तो लोगों को दिखता था ये तो वही व्यक्ति जो सवेरे यहाँ पर झाड़ू ये साफ सफाई कर रहा था, तो ये कौन सा प्रवचन सुनने वाला है और इसके पास ऐसा कौन सी विचार होंगे, तो वो लोग जाने लगते थे। तो जब घर जाने लगते थे तो ये क्या करता था, एकदम सुरीली आवाज से एक भजन शुरू कर देता था गाना, फिर भजन सुनकर फिर लोग वापिस आ जाते थे और वो बैठ जाते थे। बाद में वो भजन सुनाने के बाद अच्छी अच्छी बातें उसके व्यवहार में जो काम में आने वाली ऐसी बातें सुनाते थे वो, और लोगों में एकदम परिवर्तन हो जाता था, लोग ऐसे एकाग्र चित्त होके सुनते थे कि लोग एक घंटे से लेकर तीन तीन घंटे तक बैठे रहते थे वहां पर वो सत्संग उसे कीर्तन सुनते थे। तो इस प्रकार वो अपने उच्च विचार से लोगों को ऐसे शिक्षा देते थे और इस प्रकार उन्हें समाज में बहुत परिवर्तन हुआ। तो इसलिए वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी अभी संत गाड़गे बाबा स्वच्छता अभियान उसके स्मृति प्रीत्यर्थ भी चलाती है। तो ये थे वो महान आत्माएं थे, इसलिए बाबा ही कहते हैं सिंपल रहो सैंपल बनो। तो हमें भी क्या करना है, अभी सिंपल रह के सैंपल बनना है, तो सैंपल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें,
तो हमें एक बाबा के श्रीमत पर चलना पड़ेगा। ये बाबा में गुण है, ये शक्ति है, वो हमने हमारे में धारण करनी पड़ेगी। जो बाबा के संकल्प है, बोल और कर्म है, वही हमारे में हमें धारण करना पड़ेगा, तब हम बाप समान बन जाएंगे। और ऐसी इस प्रकार सिंपल बन के तीव्र पुरुषार्थ करके हम भी एक सैंपल बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो ये रॉयल्टी हो गई ना उसमें भी, जो सिंपल होते हुए भी उसने अपने जीवन महान बनाया, ऊंचे विचार किया, तो उसके जीवन में सिंप्लिसिटी भी और रॉयल्टी भी आ गई। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल।